सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय चैनल द करेंसी पीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसी पीडिया पर। दोस्तों, पिछले कई दिनों से क्रॉस कॉइन से संबंधित बहुत से लोगों के सवाल लगातार आ रहे हैं और द करेंसी पीडिया परिवार के अन्य सदस्य भी क्रॉस कॉइन के बारे में सही, सटीक व संपूर्ण जानकारी पाने के इच्छुक होंगे, क्योंकि YouTube पर बहुत से फेक वीडियो बने हुए हैं क्रॉस कॉइन से रिलेटेड, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो क्या है इन सिक्कों की वास्तविकता, आइए जानते हैं क्रॉस कॉइन की कहानी राजज्ञानी की जुबानी इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह नोट कर लें कि जो ये क्रॉस कॉइन है, यह कमेमोरेटिव कॉइन नहीं है, मतलब यह स्मारक सिक्का नहीं है, यह डेफिनेटिव कॉइन है जो रेगुलर सिक्के जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी किए जाते हैं। यह वह सिक्के हैं और रिपब्लिक भारत में आज तक टोटल 21 प्रकार के अलग अलग क्रॉस कॉइन जारी हुए हैं। इनका समय काल था 2004 से लेकर 2007 तक का। इन 4 सालों में टोटल 4 डिनोमिनेशन में यह सिक्के जारी हुए हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्ग में। टोटल 21 क्रॉस कॉइन देश की अलग अलग मिंटों द्वारा ढाले गए थे और इन 21 क्रॉस कॉइन में से कुछ कॉइन मार्केट में काफी महंगे दामों पर मिलते हैं, और यदि आप अपने कलेक्शन में इन्हें शामिल करना चाहते हैं तो कई बार सही दाम चुकाने पर भी यह कॉइन मार्केट में आसानी से नहीं मिलते हैं। तो वह कौन से ऐसे सिक्के हैं जिन्हें खरीदने के लिए आपको कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है, या फिर आपके पास ऐसे कॉइन हैं तो वह बिकेंगे कैसे, उन्हें खरीदेगा कौन और किस भाव में खरीदेगा, उनका फोन नंबर और एड्रेस क्या है, यही सब बताएंगे इस वीडियो में, ताकि आज आप क्रॉस कॉइन की पूरी कहानी समझ पाए और क्रॉस कॉइन से संबंधित आपके दिमाग में, आपके मन में जितने भी सवाल चल रहे हैं, उन सारे सवालों के जवाब आपको मात्र एक यह वीडियो देखने से मिल जाए और पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए आपके माइंड में कि क्रॉस कॉइन कब बने थे, कब तक बने थे, कौन कौन सी मिंट में बने थे और कौन कौन से सिक्कों का रेट ज्यादा है और कौन कौन से सिक्के ऐसे हैं जिनका रेट भविष्य में और ज्यादा हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं 1 रुपए के क्रॉस कॉइन की। 1 रुपए के क्रॉस कॉइन की ढलाई 2004, 2005 एवं 2006 में हुई थी, लेकिन 2007 में नहीं हुई थी। 2004 में 1 रुपए के सिक्के की ढलाई देश की मुंबई मिंट में की गई थी और 2005 में 1 रुपए के सिक्के की ढलाई देश की चारों मिंटों में की गई थी और 2006 में मात्र नोएडा मिंट द्वारा इन सिक्कों की ढलाई की गई थी। 2006 में मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद, इन तीनों मिंटों ने 1 रुपए के सिक्के की ढलाई नहीं की थी। इस तरह अलग अलग मिंटों और अलग अलग सन में जारी किए गए 1 रुपए के टोटल क्रॉस कॉइन की संख्या है 6। एक 2004 का मुंबई मिंट का, 4 2005 के चारों मिंटों के और एक 2006 का नोएडा मिंट का। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु में इस तरह 1 रुपए के टोटल 6 तरह के सिक्कों की ढलाई हुई है। इनका वजन था 4.85 ग्राम, साइज 25 mm, शेप सर्कुलर। इस सिक्के के अग्रभाग को दो समानांतर रेखाएं खींचकर 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपर के भाग में देवनागरी में भारत और इंग्लिश में इंडिया लिखा गया है। मध्य भाग में अशोक एमलम, सत्यमेव जयते और इस सिक्के का डिनोमिनेशन 1 दिया गया है। सिक्के के नीचे वाले भाग में मिंटिंग ईयर दिया गया है। मिंटिंग ईयर के नीचे मिंट मार्क का स्थान तय है। अब जान लेते हैं 2 रुपए के सिक्के के बारे में। 2 रुपए के सिक्कों की ढलाई की शुरुआत 2005 से हुई थी। 2005, 6 और 7, इन 3 सालों में सिर्फ 2006 एक ऐसा वर्ष है जिस वर्ष में कोलकाता मिंट ने इस सिक्के की ढलाई नहीं की थी। बाकी दोनों वर्षों में अर्थात 2005 और 2007 में 2 रुपए के ऐसे क्रॉस कॉइन की ढलाई देश की चारों मिंटों ने की थी। 2 रुपए के सिक्के का अग्रभाग 1 रुपए के सिक्के जैसा समान है, बस इसका डिनोमिनेशन चेंज है। यह 2 रुपए का सिक्का है, इस वजह से इस पर इंटरनेशनल नंबर में अंक 2 दिया गया है और इसके बैक साइड में क्रॉस में चेंज है। 1 रुपए के सिक्के में जहां क्रॉस सिंगल लाइन में बनाया गया था, 2 रुपए के सिक्के में यह क्रॉस डबल लाइन में बनाया गया है। 2 रुपए के FSS की धातु में जारी किए गए ऐसे सिक्कों का वजन था 5.62 ग्राम और साइज 27 mm, शेप सर्कुलर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 रुपए के सिक्कों की ढलाई 2005, 2006 और 2007 में हुई थी। 2005 के 4 सिक्के, 2006 के 3 सिक्के और 2007 के 4 सिक्के।
अब बात कर लें अगला डिनोमिनेशन, मतलब 5 रुपए के क्रॉस कॉइन के बारे में। आप में से शायद कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन यह बात सत्य है कि 5 रुपए में भी क्रॉस कॉइन जारी किया गया था मात्र एक ही वर्ष अर्थात 2007 में और मात्र एक ही मिंट कलकत्ता मिंट द्वारा। कोलकाता मिंट द्वारा 2007 में जारी किए गए 5 रुपए के ऐसे सिक्के भी फेरेटिक स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु में डाले गए थे। इनका वजन था 6 ग्राम और साइज 23 mm, शेप सर्कुलर। इस सिक्के के भी अग्रभाग को 2 समानांतर रेखाएं खींचकर 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपर के भाग में देवनागरी में भारत और इंग्लिश में इंडिया लिखा गया है। मध्य भाग में अशोक एम्बलम सत्यमेव जयते एवं इस सिक्के का डिनोमिनेशन इंटरनेशनल नंबर में अंक 5 दिया गया है और इस सिक्के के नीचे वाले भाग में मिंटिंग ईयर 2007 दिया गया है। 5 रुपी के क्रॉस कॉइन में आपको कभी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यह मात्र कोलकाता मिंट द्वारा ढाले गए थे और कोलकाता मिंट अपने यहाँ ढाले गए किसी भी सिक्के में कोई मिंट मार्क नहीं देती है। बात कर लेते हैं इसके रिवर्स साइड की। रिवर्स साइड में यहाँ पर देवनागरी में 5 रुपए, इंग्लिश में 5 रुपीज एवं अनेकता में एकता को दर्शाने वाला क्रॉस सिंगल लाइन में दिया गया है। 1 रुपए के 6, 2 रुपए के 11 और 5 रुपए का 1, टोटल हो गए 18। जैसा कि हमने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि अभी तक टोटल 21 तरह के क्रॉस कॉइन जारी हो चुके हैं, तो 18 कॉइन की डिटेल आपको बता दी, बाकी बचे 3। यह तीनों कॉइन 10 रुपए के डिनोमिनेशन में ढाले गए हैं। इनका मिंटिंग ईयर था 2005, 2006 और 2007। 10 रुपए के सिर्फ 3 तरह के क्रॉस कॉइन निकले हैं, वह भी सिर्फ नोएडा मिंट द्वारा। तो यह हो गए टोटल 21 क्रॉस कॉइन जो 4 सालों में 4 मिंटों द्वारा 4 डिनोमिनेशन में जारी किए गए थे। अब बात कर लें इनकी कीमत की। आप में से कई लोगों की मेन जिज्ञासा क्या होती है कि इनका रेट क्या है, सिक्का बिकेगा कितने में, बिकेगा कहाँ पे और खरीदें कैसे। तो सबसे पहले 5 ऐसे सिक्कों के बारे में बता देता हूँ जो आज की तारीख में वैल्यूबल हैं, जिसमें एक है 2004 का 1 रुपये वाला यह सिक्का, इसका रेट आज की तारीख में ज़्यादा है। दूसरा है 1 रुपये का ही 2006 का ऐसा सिक्का। दो रुपये में फिलहाल कोई भी सिक्का रेयर नहीं है। 2 रुपये के क्रॉस कॉइन में चाहे वो किसी भी मिंट का हो, किसी भी सन का हो, 2 रुपये के किसी भी सिक्के की फिलहाल मार्केट में कोई ज़्यादा रेट नहीं है। तीसरा सिक्का है 5 रुपये का क्रॉस कॉइन जो 2007 में जारी हुआ था। इस सिक्के की भी मार्केट में आज की तारीख में ज़्यादा वैल्यू है। 10 रुपये में 2005 और 2007, ये दोनों कॉइन आज की तारीख में वैल्यूबल हैं। इस तरह से टोटल 5 कॉइन हो गए जो आज की तारीख में वैल्यूबल हैं। 1 रुपया 2004, 2006, 5 रुपये 2007 और 10 रुपये 2005 और 2007। यह सिक्के वैल्यूबल क्यों हैं इसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। यदि आपके पास समय हो तो इस वीडियो को आगे देखिए, क्योंकि अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ सिक्कों की दुनिया के बारे में, उसके रेट के बारे में, कि कोई भी सिक्का महंगा क्यों होता है या कौन से सिक्के की रेट आगे जाके बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसा कि आपको पता ही है, भारत में जारी किए गए सिक्कों की ढलाई नॉर्मली देश की 4 मिंटों द्वारा की जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी 1 मिनट द्वारा उस सिक्के की ढलाई नहीं की जाती है, कभी 2 मिनट द्वारा नहीं की जाती है, कभी 3 मिनट द्वारा नहीं की जाती है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ 1 मिनट ही उस सिक्के की ढलाई करती है और किसी सिक्के की ढलाई 2 मिनटों द्वारा की जाती है, और कोई सिक्का ऐसा होता है जिसकी ढलाई 3 मिनटों द्वारा की जाती है, और बहुत से सिक्के ऐसे होते हैं जिनकी ढलाई देश की 4 मिनटों द्वारा की जाती है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जितनी ज़्यादा मिनटों में जितने ज़्यादा सिक्कों की ढलाई होगी, उन सिक्कों का रेट कम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। और जिन सिक्कों की ढलाई कम मिनट में होगी, मतलब किसी सिक्के की ढलाई देश की एक ही मिनट में की और एक ही साल में की, तो उस सिक्के का रेट बढ़ने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। जैसे 5 रुपये का 2007 का सिक्का मात्र कलकत्ता मिंट द्वारा ढाला गया, सिर्फ 2007 में ढाला गया,
तो आज की तारीख में सबसे महंगा सिक्का है 5 रुपए का 2007 का कलकत्ता मिंट का क्रॉस कॉइन, क्योंकि एक ही साल में छपा है ये। 2 रुपए के सिक्के 3 साल में छपे हैं, 10 रुपए के 3 साल में छपे हैं और 1 रुपए के भी 3 साल में छपे हैं, लेकिन 5 रुपए का मात्र 1 साल में छपा है 2007 में और सिर्फ एक ही मिंट ने छापा है। इस वजह से क्रॉस कॉइन में सबसे महंगा कॉइन है 5 रुपीज क्रॉस कॉइन। अब बात कर लें 2004 वाले 1 रुपए के सिक्के की। चूंकि सबसे पहला क्रॉस कॉइन 2004 में जारी किया गया था, 2004 में 1 रुपए के अलावा किसी और डिनोमिनेशन में क्रॉस कॉइन जारी नहीं हुआ था, इस वजह से 1 रुपए का सिक्का 2004 का महंगा है। और खास बात, यह भी मात्र 1 मिंट मतलब मुंबई मिंट द्वारा जारी किया गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 रुपए का 2006 का यह सिक्का भी आज की तारीख में महंगे दामों पर बिकता है या महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है। उसके पीछे भी कारण यही है कि 2006 में ऐसे सिक्कों की ढलाई मात्र नोएडा मिंट द्वारा की गई थी, इस वजह से इन सिक्कों की ढलाई भी बाकी सिक्कों की तुलना में काफी कम हुई थी और आजकल मार्केट में यह नजर भी नहीं आते हैं, इस वजह से इस सिक्के का रेट भी ज्यादा हो गया है। 2 रुपए का आज कोई भी मिंट का सिक्का, कोई भी सन का सिक्का महंगा नहीं है, लेकिन जिस गणित के हिसाब से मैंने आपको बताया कि जिन सिक्कों की ढलाई कम मिंट में होती है उन सिक्कों के रेट बढ़ते हैं, उस हिसाब से 2 रुपए के सिक्के 2006 में 3 मिनटों द्वारा डाले गए थे, तो भविष्य में जब भी सिक्कों के रेट बढ़ेंगे 2 रुपए के सिक्कों में सबसे पहले 2006 वाले सिक्के का रेट बढ़ेगा। तो यदि आप आने वाले 5-10 साल बाद 2 रुपए के सिक्कों से अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 2006 के सिक्कों का संग्रह जरूर करें, ये आपको बाकी दोनों सिक्कों से ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। अब बात करें 10 रुपए के सिक्के की। 10 रुपए में टोटल 3 सिक्के जारी हुए और सिर्फ एक ही मिंट द्वारा जारी हुए, नोएडा मिंट द्वारा। उसके बावजूद भी 2005 और 2007 वाले 10 रुपए के सिक्कों का रेट आज ज़्यादा है। ऐसा क्यों? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ज़्यादातर जो सिक्का पहली बार निकलता है या आखिरी बार निकलता है, जैसे 2004 में 1 रुपए का सिक्का पहली बार डाला गया था क्रॉस कॉइन में, तो उस सिक्के की रेट ज़्यादा है। उसी तरह से 2005 में 10 रुपए का क्रॉस कॉइन पहली बार डाला गया था, तो 2005 वाले क्रॉस कॉइन की वैल्यू आज मार्केट में ज़्यादा है। और 2007 में 10 रुपए का क्रॉस कॉइन आखिरी बार डाला गया था, तो 2007 वाले क्रॉस कॉइन की भी आज की तारीख में मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है। 2006 बीच का सन है, इस वजह से उसकी वैल्यू फिलहाल इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी देर में आप यह चीज़ तो समझ गए होंगे कि किस तरह के सिक्कों पे आपको ध्यान देना चाहिए। जो भी सिक्के ऐसे हैं जो देश की 1 या 2 मिनट द्वारा डाले गए हैं, आज भले वो कॉमन की रेट में मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जब बहुत से कलेक्टर अपने अपने एल्बम तैयार करेंगे और मिंट वाइज एल्बम तैयार करेंगे, उस वक्त उन नए कलेक्टर्स को वह सिक्के आसानी से नहीं मिलेंगे जो कम मिनटों ने जारी किए हैं। तो यदि आप भविष्य में साधारण सिक्कों से अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप ऐसे सिक्कों का कलेक्शन करें जो कम मिनटों द्वारा छापे गए हैं, या एकदम स्टार्टिंग वाले जो कॉइन हैं या एकदम एंड वाले जो कॉइन हैं। जैसे मैं एक बार पहले भी आपको बता चुका था कि 2011 में डिजाइन चेंज हुई थी, तो 2011 में छोटा 1 रुपए का सिक्का भी बना था और बड़े 1 रुपए का सिक्का भी बना था। 2010 वाले के बजाय 2011 वाले सिक्के का रेट बढ़ने की संभावना रहेगी। सिक्कों में चेंज हुआ था, FSS के सिक्के आ गए थे कॉपर निकल की जगह, तो 2004 के सिक्कों का रेट भी ज़्यादा होगा। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा और जाना कि क्रॉस कॉइन कौन कौन से महंगे हैं और कौन कौन से आने वाले समय में महंगे हो सकते हैं। जो महंगे हैं उनको एक बार फिर से याद कर लें, नोट कर लें। 1 रुपए में 2004 और 2006, 2 रुपए में फिलहाल कोई भी सिक्का महंगा नहीं है, 5 रुपए में 2007 वाला जो 5 रुपए में एक ही क्रॉस कॉइन छपा है, और 10 रुपए में 2005 और 2007 वाले। इस तरह से फिलहाल आज की तारीख में यह 5ों सिक्के महंगे दामों पर बिकते हैं। अब यदि आपके पास यह सिक्के हैं और आप इन्हें बेचना चाहते हैं तो कहाँ बेचें? तो यदि आपको आपके पास ऐसे सिक्के हैं और आप इन्हें बेचना चाहते हैं तो आप ऐसे सिक्कों को पप्पू प्रेम जी को बेच सकते हैं। पप्पू प्रेम जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से नंबर नोट कर लें। आप उन्हें फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हाँ जी वालेकुम। नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
मैं एक्चुअली वीडियो बना रहा था अभी क्रॉस काइन के ऊपर कि ये आप खरीद भी लोगे ना 100 रुपए में कि नहीं खरीदोगे? कौन सा क्रॉस काइन 2004 वाला? खरीद लूंगा, जितना भी माल चाहिए दे दो मुझे, है ना? 2004 या 10 रुपए का 2005 का जो आप बोल रहे हो, 100% और 5 रुपए का 2007 वाला भी खरीद लोगे ना? खरीद लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। तो 5 रुपए का 2007 कितने में खरीदेंगे आप? 5 रुपया सर 2007, आप 20 रुपए से 50 रुपया डालो ना सर। सर 5 रुपए 2007 तो रेयर कॉइन है। 5 रुपया सर 2007 ले लेंगे, वो 750 रुपए तक भी हम ले लेंगे, 700 रुपए तक भी ले लेंगे। 700 तक नहीं, 400 तक तो ले लेंगे। हाँ 400 में तो पक्का है, आंख बंद करके क्वांटिटी भी ले लेंगे उतने में तो। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि वीडियो देखने में कई लोग बोलते हैं कि यार ठीक है आप बेचने का तो बता रहे हो, खरीदने का नहीं बता रहे, तो कम से कम अपन ये 2000 कॉइन का रेट तो बता दें कि भाई ये वाला कॉइन पप्पू प्रेम खरीद लेंगे। हाँ खरीद लेंगे पक्का, 100% का। 5 रुपए वाला 2007 वाला क्रॉस कॉइन आप 400 में खरीद लेंगे, है ना? क्वांटिटी में होंगे, क्वांटिटी में भी ले लेंगे। और 1 रुपीज कॉइन 2004 100 रुपए में खरीद लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और 10 रुपीज 2005 भी 100 रुपए में खरीद लेंगे। 100%। चलो ठीक है, तो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ क्योंकि बिटिया अभी है नहीं। आलू वीडियो बनाओ यार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बनाता हूँ मैं आज। एक्चुअली क्या बिटिया नहीं होने की वजह से और मेरे बार बार हॉस्पिटल में चक्कर लगने की वजह से, मतलब एक हाथ दबा रहता है आपका, वही तो दुख होता है मेरे को। एक तो वो ऊपर से क्या है कि मेरे को दिन में एक बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, अभी पिछले 3-4 महीने से लगा था। तो अभी बस हॉस्पिटल से आके फ्री हुआ तो मैंने कहा चलो कल फिर जाना है, कल पूरा दिन लग जाएगा, तो मैंने कहा चलो आज शूट कर लेते हैं, फिर एक आध दिन में एडिट वगैरह करके फिर इसको पब्लिश कर देंगे। थोड़ा बड़ा वीडियो बनाते हैं ताकि लोगों को सब व्यवस्थित समझ में आ जाए एकदम अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3-4 पॉइंट का है ना सर? हाँ, सारे पॉइंट एक साथ डाल देते हैं अपन, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए सभी पॉइंट डाल देते हैं एकदम। पाड़ू वीडियो बनाओ सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर बनाते हैं। अरे बहुत लोग पूछते हैं यार प्रेम भाई यार वीडियो तुम्हारी नहीं आ रही है, सब अलग ही अलग वीडियो आ रही है। अरे मिनकी आएंगी, कुछ चिंता का टाइम नहीं है उनको, अभी कभी कहीं फंस जाते हैं, कहीं बिजी है, अकेले आती है। यूट्यूब वाले नंबर पे उन लोग को समझाना भी पड़ता है मुझे, कुछ जरूरी नहीं है कि वो हमसे माल खरीदे या बेचे। नहीं नहीं, आप संभालते हो, अच्छी बात है, संभालो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर मिलते हैं फिर। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आपसे पप्पू प्रेम जी या पाइन खरीद लेंगे यदि आपके पास इनमें से कोई भी क्रॉस काइन है, 2004 1 रुपया, 2007 5 रुपए, 2005 10 रुपए, 1 रुपए वाला जो क्रॉस काइन है उसका आज की तारीख में मार्केट रेट चल रहा है 100 रुपए से 500 रुपए तक, डिपेंड ऑन कंडीशन एंड डिमांड। 5 रुपए वाला 2007 का जो क्रॉस काइन है उसका मार्केट रेट चल रहा है 400 रुपए से लेके 1000 रुपए तक। 2005 का 10 रुपए वाला जो क्रॉस काइन है उसका मार्केट रेट 100 रुपए से 500 रुपए तक, और 2007 का जो 10 रुपए वाला क्रॉस काइन है उसका रेट 100 रुपए से 300 रुपए तक आज की तारीख में चल रहा है। आप में से कई लोग कई बार ये सोचते हैं या पूछते भी हैं, कमेंट भी करते हैं कि आप जो रेट बताते हैं वो कहाँ के रेट होते हैं। तो देखिए, रेट एक एवरेज रेट होता है, रेट में डिफरेंस हो सकता है। ये रेट सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए रेट बताए जाते हैं कि इनका रेट लगभग ये चल रहा है। यदि आपको आपके कलेक्शन के लिए चाहिए और आपके पास वो सिक्का नहीं है और आप बहुत लालायित हो उस सिक्के को प्राप्त करने के लिए, मान लो एक उदाहरण देता हूँ मैं कि 2007 का 5 रुपये वाला सिक्का आप पिछले 6 महीने से ढूंढ रहे हैं और आपको अच्छी कंडीशन में नहीं मिल रहा है। आप किसी एग्जीबिशन में गए या आपने किसी दुकानदार को फ़ोन लगाया या आपने पप्पू प्रेम जी को फोन लगाया या हार्दिक जी को फोन लगाया या प्रीतमान जी को फोन लगाया आपने कि 2007 का 5 रुपये वाला सिक्का चाहिए यूएनसी कंडीशन में, और उनके पास यूएनसी कंडीशन का सिक्का अवेलेबल है, मैंने उसका रेट बताया हाईएस्ट 1000 रुपये, लेकिन वो आपसे मांगते हैं 1200 रुपये या 1500 रुपये। अब आपके ऊपर है कि आप वह सिक्का 1200 या 1500 में लेना चाहते हैं या आपको वह सिक्का कहीं ऐसी जगह पे कहीं एग्जीबिशन में गए या आपके शहर में आपके किसी दोस्त के पास या आपके किसी दुकानदार के पास वह सिक्का मिल जाता है यूएनसी कंडीशन में और आप उसको 5 रुपए के सिक्के के 100 रुपए भी ऑफर करते हैं या 200 रुपए भी ऑफर करते हैं क्योंकि उसको इस सिक्के के बारे में पता नहीं है, तो आपको 100 रुपए या 200 रुपए में भी दे देता है। तो आप कहोगे अरे वाह, ज्ञानी जी ने तो इस सिक्के का रेट 400 से 1000 रुपये बताया था, मैं तो 100 रुपये में लेके आया। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे 100 रुपये में सिक्का चाहिए तो आप नहीं दे पाएंगे ना। तो ऐसा डिमांड और सप्लाई के ऊपर रेट डिपेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए किसी एक दुकानदार से न लेना चाहें आप, तो आप 2 दुकानदार से 3 दुकानदार से बात करें। मेरा उद्देश्य यही है
कि आप लोगों का फायदा हो, आप चाहे दुकानदार हैं तो आपका भी फायदा हो, आप चाहे कस्टमर हैं तो आपका भी फायदा हो। मैं जानकारी अवेलेबल करवाता हूँ आपको कि इस सिक्के का एक्चुअल रेट यह होना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप 100 रुपये के सिक्के के 1000 रुपये दें या 500 रुपये दें या 50 रुपये भी ना दें। यह कोई फिक्स रेट नहीं है, गवर्नमेंट का रेट नहीं है कि मैंने सिक्के का रेट बता दिया 400 से 1000 रुपये तक, तो मतलब कोई अगर आपसे 1050 भी मांगे तो आप उससे लड़ पड़ो कि राजज्ञानी जी ने तो 1000 रुपये रेट बताया और आप 1050 क्यों मांग रहे हो। और आप में से किसी को भी सिक्के बेचना हो तो आप 4 जगह दिखाइए, 5 जगह दिखाइए, 10 जगह दिखाइए। मैं आपसे ये नहीं बोलता हूँ कि आप सिक्के किसी एक ही व्यक्ति को बेचिए, आप अलग अलग जगह दिखाइए, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पैसा मिले आप वहाँ पे दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा आपके अपने अपने शहर के हिसाब से। आप कलकत्ता में रहते हैं कि बेंगलोर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं कि मुंबई में रहते हैं। यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो हो सकता है आपको वहाँ पे नोएडा मिंट के सिक्के काफ़ी आसानी से अवेलेबल होते हैं, तो नोएडा मिंट के सिक्के कम रेट में मिल जाएँ। यदि आप मुंबई में रहते हैं तो वहाँ पे मुंबई मिंट के सिक्के UNC कंडीशन के आपको काफ़ी कम रेट में मिल जाएंगे। यदि आप कोलकाता में रहते हैं तो हो सकता है आपको वहाँ पे नोएडा मिंट या मुंबई मिंट के सिक्के महंगे दामों पे मिले, और नोएडा वालों को या इंदौर वालों को कलकत्ता के सिक्के महंगे दामों पे मिले, कलकत्ता वालों को कलकत्ता मिंट के सिक्के सस्ते दामों पर मिले। ये सारी चीज़ें मायने रखती है कि आप कौन से शहर में रहते हैं और आपके संबंध कितने हैं लोगों से, आप कितने ऐसे स्थान जानते हैं जहाँ पे आपको नोट और सिक्के मिल सकते हैं। बाकी एक बार फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, सचेत करना चाहूँगा, आजकल बहुत ज़्यादा फोर्जरी हो रही है, नए नए तरीकों से हो रही है, इतने सारे नए तरीके ईजाद कर लिए लोगों ने, नंबर चेंज करना, नोटों के नंबर चेंज करके उनको फैंसी नंबर बना के देते हैं या जानबूझ के कोई ऐसा एरर क्रिएट कर देते हैं, जैसे अभी एक मैंने बताया था आपको शायद कि 1 रुपये का फेक नोट आया था डबल प्रिंटिंग वाला। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने लग गई है आजकल, तो बहुत आँखें खुली रखी अपनी। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे वीडियो देखने के बाद में भी किसी भी तरह से किसी धोखेबाज के चक्कर में फंसे या अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई का नुकसान करा बैठे। कई लोग सिक्के बेचने खरीदने के लिए आज भी पूछते हैं कमेंट में कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है क्या, तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। कुछ लोग लिखते हैं कि आपकी कंपनी से फ़ोन आया था, तो मेरी कंपनी से कोई फ़ोन नहीं करता है आपको कि आप अपने सिक्के बेचो। जितने भी फ़ोन आते हैं वो सब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा होते हैं, दूसरे दुकानदार होते हैं या दूसरे फ्रॉड करने वाले होते हैं। तो आपकी इच्छा है आप उनसे डीलिंग करें या ना करें। मैंने आपको जो 2, 4, 5, 10 लोगों के नंबर बताए हैं, उन लोगों से यदि आपको किसी भी तरह की तकलीफ हो विद प्रूफ मुझे भेजें, मैं उस पर एक्शन लूँगा। लेकिन यदि आपको कोई व्यक्ति फ़ोन करके बोलता है मैं राजज्ञानी के यहाँ से बोल रहा हूँ और आप अपने सिक्के मुझे दीजिए और रजिस्ट्रेशन के 1000 रुपये दे दीजिए, तो ऐसा हमारे यहाँ से नहीं होता है। इस बात को मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार और याद करा रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति आपसे रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसों की डिमांड करता है या आपसे बोलता है कि आपके सिक्के मैं अभी ले जा रहा हूँ, पैसे बाद में दे दूंगा, तो ये सब फ्रॉड व्यक्ति होते हैं जो आपके साथ धोखा करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से बच के रहें। बातें और भी बहुत सारी है, अभी किसी कारण से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ आपको, आज थोड़ा सा समय मिला था तो थोड़ी लंबी बात कर ली मैंने, क्योंकि मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है और मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं हफ्ते में 2-3 बार मुलाकात करूँ, फिलहाल ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि आपसे हफ्ते में कम से कम 2 बार तो बात करें। तो अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए, अभी कुछ मजबूरी है जिनकी वजह से मैं आपके सामने हफ्ते में 2 बार पेश नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन यह वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक है, आने वाले दिनों में फिर जल्दी जल्दी मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए, और हाँ मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। जय हिंद, जय भारत।